हेलो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में आज हम अपना चैप्टर नंबर फोर द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके समरी पूरा डिस्कस करेंगे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो ये एक बहुत ज़्यादा जो डायरी एनी फ्रैंक की जो डायरी है ना वो बहुत पॉपुलर डायरी है ये इसकी स्टोरी राइटर भी एनी फ्रैंक की हैं ये बहुत मोस्ट सेलिब्रेटेड डायरी है पूरे वर्ल्ड में इट हैज़ बीन रिटन बाय जर्मन बॉर्न जेविश कर्ल एनी फ्रैंक यानी ये जर्मन में बॉर्न हुई है जेविस जेविस एक जातियाँ थी जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करा जाता था, था। वर फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में और जिस हिटलर के द्वारा तो ये जेविश गर्ल थी जर्मन में बोर्न हुई थी एनी फैंक नाम की ड्यूरिंग हर स्टे इन हाइडिंग कॉल्ड सीक्रेट एनेक्स इन द टाइम ऑफ जर्मन ऑक्यूपेशन ओवर होल लैंड शिवाज बॉर्न ऑन ट्वेल्थ जून नाइनटीन ट्वेंटी नाइन इसे एक सीक्रेट एनेक्स में रखा गया था क्योंकि जर्मन में पूरे जर्मन में हिटलर का राज चल रहा था तो इसलिए उसे आ, एक सीक्रेट एनेक्स में रखा गया कि वो इन सब से दूर रहें शिवा वो बारह जून नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में बॉर्न होती एनी वॉज गिफ्टेड आई डायरी ऑन ऑन थर्टीन बर्थडे यानी उसके तेरहवें जन्मदिन पर उसे एक डायरी गिफ्ट करी गई एनी फिल्स डायरी राइटर्स चेंज एक्सपीरियंस इट सीम्स ओ बिकॉज लेटर नाई दर हर सेल्फ और नॉट अदर विल टेक इंटरेस्ट इन द नी म्यूजिंग ऑफ थर्टीन ईयर्स ओल्ड गर्ल एनी को डायरी लिखना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता था एक्सचेंज एक्सपीरियंस लगता था क्योंकि ना उस मतलब कोई इसकी बातों कोई यही सोचती वो ये सोचती थी कि उसकी बातों में कोई क्यों इंटरेस्ट लेगा hmm. एक छोटी सी बच्ची के तेरह साल की बच्ची में कौन इंटरेस्ट लेगा हाउ वेर शी फील्स द नीड टू ब्राइट बिकॉज शी वॉन्ट टू लिट इन द बर्डन ऑफ हर हर्ट ऑफ हर हर्ट और उसे लिखना इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि वो अपने दिल की बात अपना जितना भी बर्डन है जितना भी थकावट है वो सब लिख सकती थी उसमें वन शी वॉज फॉलोइंग लो बिकॉज ऑफ बोर डॉम एंड स्लाइट डिप्रेशन एंड आइडिया लिंगर इन हर माइंड डेट पीपल हैज़ मोर पेशेंट दैन पीपल और ये उसे जितना भी प्रेशर होता था बर्डन होता था डिप्रेशन होता था वो सब कुछ उससे अपनी डायरी में लिख देती थी और उसे एक आइडिया उसे पता भी था क्योंकि पेपर आ, लोगों से ज़्यादा कागज़ों में पेशेंस होता है पेशेंस की मतलब हम पेपर में कुछ भी लिखते रहें वो हमें कुछ कहेगा नहीं पेपर बट पे, जो पीपल्स हैं लोग हैं उनमें पेशेंस नहीं होता वो आ, हम कुछ बोलेंगे तो वो अपनी ही बोलने लगेंगे तो ये एनी फ्रैंक की एक बात थी तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है शी एक्सप्लेन दैट डिसाइडेड टू राइट डायरी बिकॉज शी डजेंट हैव एनी फ्रेंड उसने ये डायरी में ये लिखा कि मैं डायरी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है शी कन्फ्यूस दैट शी हैव लविंग पेरेंट्स आ सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड सिस्टर आंट्स एंड अबाउट थर्टी फ्रेंड्स टू काउंट वो ये भी बताती है कि मेरे पे बहुत बहुत लविंग पेरेंट्स हैं मेरी एक सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड यानी उससे तीन साल बड़ी सोलह uh, साल की एक बड़ी बहन भी है आंटी भी हैं और थर्टी फ्रेंड्स हैं यानी गिनती के मेरे तीस फ्रेंड होंगे अभी उसने क्या कहा था कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है अब फ्रेंड यहाँ पे कौन से मामले में क्योंकि जिनसे हम सबको शेयर कर सकते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो ऐसे काउंटिंग में भी फ्रेंडशिप में तो उसके थर्टी फ्रेंड्स थे बट एज अ बेस्ट फ्रेंड हम कहें तो वो कोई नहीं था फिर वो कह ऑन द सर्फेस शी सीम्स टू हैव एवरी थिंग एक्सेप्ट ट्रू फ्रेंड टू वम शी कैन शेयर और फीलिंग एंड फ्रेंड अब यही था ये डायरी ही थी जिसमें वो अपना सब कुछ अपना एवरीथिंग एक ट्रू फ्रेंड की तरह शेयर कर सकती थी अपनी फीलिंग अपने कन्विशन अपना सब कुछ दैट इज़ वाई शी प्लान्स टू मेक द डायरी हर बेस्ट फ्रेंड इसलिए उसने अपना डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड सुना और उसे किटी कहने लगी वो शी गिव्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली उसने डायरी के अंदर यानी अपनी किटी के अंदर अपनी पूरी फैमिली का एक ब्रीफ स्केच यानी अपनी फैमिली के बारे में लिखा उसकी उसने लिखा शी राइट सर फादर इज़ ऑटो फ्रैंक उसके फादर का फादर ऑटो फ्रैंक है मदर इज़ एडिथ हॉल फ्रैंक एंड एंड सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड सिस्टर इज़ मार्गोट फ्रैंक यानी अपने फ़ादर uh, का नेम ऑटो फ्रैंक बताया मदर का एडिट हॉलैंडर फ्रैंक और सिस्टर का नेम मार्गोट फ्रैंक बताया वह पेरेंट्स शिफ्ट टू होलैंड जब उसके पेरेंट्स होल शिफ्ट कर रहे थे वो अपने ग्रैंड मदर के साथ आटियन में रहती थी शी दैट शी इज़ डीपली अटैच वो उसने बताया कि वो डीपली अटैच थी अपने ग्रैंड माँ से जो कि नाइनटीन फोटी टू में डाई यानी मर गई ड्यू टू प्रो लॉन्गन एलनेस यानी वो एक बीमारी है प्रो इन उसकी वजह से वह मर गई शी रिकाउंट्स दैट अप टू द एज ऑफ सिक्स शी स्टे इन मॉन्टेसरी नर्सरी वो बताती है कि वो छः साल तक मॉन्टेसरी नर्सरी में पढ़ती थी और जब उसने अपना स्कूल छोड़ा सिक्स ग्रेड में तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी मिस्टर मिसेस क्यूप्रियस वो उसने उनके भी आंखों से आंसू निकल गए थे फोर ऑफ़ देम आर डूइंग वेल टिल द डेट ट्वेंटी जून 1942 टू शी मेक्स एंट्री इन हर डायरी किटी यानी आ, आ, सब कुछ सही चल रहा था ट्वेंटी जून नाइनटीन में उसने अपनी डाय डायरी किटी से सब कुछ शेयर करना स्टार्ट करा अपनी उस किटी से यानी डायरी से उसने शेयर करा शी शेयर्स विद किटी अबाउट हर स्कूल रिज़ल्ट अपना स्कूल रिज़ल्ट अपना मैथमेटिक्स टीचर के बारे में यहाँ पे मैथेमेटिक्स टीचर का एक इंपॉर्टेंट रोल है और उनका नेम है मिस्टर कीजिंग एनी टॉक्स टू मच अब एनी जो है वो एक बहुत बातूनी लड़की है बहुत बोलती है एनी टॉक्स टू मच इन अ क्लास दैट अनाउस मिस्टर कीजिंग यानी जो ऐनी है वो बहुत ज़्यादा बोलती है तो मिस्टर कीजिंग जो कि उसके मैथ्स टीचर है वो उन्हें बहुत चिड़चिड़ापन लगता है कि इतना क्यों बोलती है आफ्टर सर्वेल वॉनिंग यानी उन्होंने बहुत चेतावनी दी कि यानी मत बातें करो मत बातें करो मिस्टर कीविंग्स का हर पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड ऐसे आ चैटर बॉक्स अब मिस्टर कीजिंग ने उसे एक पनिशमेंट दे दिया आज कि तुम अब एक ऐसे लिखोगी एक निबंध लिखोगी चैटर बॉक्स पे चैटर बॉक्स यानी जो ऐसा बॉक्स जो बोलता रहता है यानी वो ऐसा एनी को ही टॉक बोल रहे थे शी राइट्स गिविंग रीजन डेट शी इन्ड्स द ट्रेट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम मदर विच इज़ इनक्रेबल अब उसने क्या लिखा उसने ऐसे में लिखा कि आ, मैं इसलिए ज़्यादा बोलती हूँ चैटर बॉक्स इसलिए ज़्यादा बोलता है क्योंकि मेरी मम्मी ज़्यादा बोलती है अब मेरी मम्मी ज़्यादा बोलती है तो मैं भी ज़्यादा बोलती हूँ तो ये फिर उसने अगले दिन अपने टीचर को सबमिट करा फिर अगले दिन वो फिर बातें करने लगी शी गेट अनदर पनिशमेंट अगेन फिर उसे एक और पनिशमेंट मिली शी हैज़ टू राइट ऐसे ऑन क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स अब उसे एक ऐसे भी मिला क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स इस टॉपिक पे अब उसे लिखना था अब वो सोच रही थी इस पर क्या लिखूंगी बट शी राइट इट इन वर्स विद सपोर्ट ऑफ अवर फ्रेंड सैनी अब उसने अपने फ्रेंड सैनी के सपोर्ट से एक पोएम लिख दी इस पर शी इज़ प्लीज़ दैट मिस्टर किजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अर जुक अनहर्ट द रिवर्स हैपन अब उसने इसमें लिखा इसमें आपको बता नहीं रखा बट इसमें उसने लिखा था कि एक डक है वो दिन भर एक डक है जो क्वैक क्वैक करती है ऑफकोर्स डायरेक्ट तो जो डक होती है वह क्वैक 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 ही करती है पर जो उसका फादर डक होता है वो उस वो जब भी क्वैक क्वैक करती है उसे मारता है वो कहता है कि तुम क्वैक क्वैक मत करो पर जो डक होती है वह क्वैक क्वैक ही करती है क्योंकि वो क्वैक क्वैक ही करती है इसलिए जो फादर डक है वो इतना मारता है उसे मारता मारता रहता है और वो आखिर मर जाती है तो वो जब ये पोएम एज अ पोएम के रूप में वो मिस्टर कीजिंग यानी मैथ्स टीचर को सुनाती है तो मिस्टर जो कीजिंग है वो उन्हें बुरा लगता है मतलब अच्छा उन्हें लगता है कि मैं भी इन्हें बोलता हूँ तो ये ये भी इन्हें भी बुरा लगता होगा जैसे कि शांत रहो जैसे उसके फादर डकलिंग कहते हैं कि शांत रहो और वो मारते फादर डकलिंग उसे डक डक कर आ, क्वैक क्वैक करने से मना करते हैं और एट द एंड उसे मार देते हैं तो मिस्टर कीजिंग भी यही सोचते हैं कि आ, मैं इसे चाहे मतलब बातें करने से बंद करूँ तो ये सब भी मेरे से नफरत करेंगे और मैं मार दूँगा तो उन्होंने इसे एज अ पोएम को जोक के लिए लिया, लिया और इसका रिवर्स किया मिस्टर कीजिंग टेक द पोएम इन पॉजिटिव वे और उस पोएम को एक पॉजिटिव वे में लिया रीड्स टू द क्लार एडिंग हिज ओन कमेंट्स यानी उसे क्लास में पढ़वाया भी और अपनी कमेंट्स भी ऐड करी तो इस स्टोरी में मतलब जो द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है तो ये ये बेसिकली यही बताया है कि थर्टीन इयर्स ओल्ड लड़की जो गर्ल है एनी फ्रैंक उसमें इतने अच्छे स्किल्स हैं राइटिंग के आ, अगर आपको कोई चैटर बॉक्स पे लिखने बोला तो आप क्या लिखेंगे बट उस उस जो एनी फ्रैंक है उसने बहुत ज़्यादा सोच के लिखा और उसकी जो आ, जो थिंकिंग पावर है वो उसमें दिखाई गई है एंड एज अ स्टोरी आपको बहुत अच्छा लगा होगा आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा स्टोरी अच्छी लगी और इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक लगी तो प्लीज़ इट्स लाइक ज़रूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग यू पे बे गाइज़